हैदराबाद में ही हूँ। अरे वाह, पिछले हफ्ते ही यहाँ एक स्कूल में मेरी जॉब लगी है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड जॉब गुड जॉब। तो कब आ रही है मिलने के लिए? अरे आती हूँ ना, बस स्कूल से जरा फुर्सत मिले। हाँ हाँ, कम कम, जल्दी जल्दी आ जा। वैसे कौन से स्कूल में जॉबिंग लगी तेरी? सेंट पॉल, वो स्टेशन के पास है ना, 12th की टीचर हूँ यहाँ पे। मुझे सब पता है, वहाँ 12th में तो रवि शर्मा भी है, जानती है ना उसे? वो है ना, बहुत नालायक है, एक नंबर का टफर, पढ़ने लिखने में तो उसका ध्यान ही नहीं है। वैसे तुम कैसे जानती हो उसे? वो उसकी मम्मी है ना, वो मेरी फ्रेंड्स है। अच्छा छोड़ फिजूल की बातें, मुझे अपने घर का एड्रेस दे, मैं एक दो दिन में आती हूँ उससे मिलने। नहीं, तू क्यों आएगी? मैं आऊंगी ना, तू तो नहीं है इलाहाबाद में। तू एक काम कर, तू ना अपना एड्रेस मुझे सेंडिंग कर दे और मैं तुझसे मिलने आऊंगी। ओके, टेकिंग केयर, बाय बाय बाय। आज से रवि पर मिलिट्री रूल। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे कभी परेशान नहीं किया। बेटा मुझे सब पता है, ऐसा करो तुम भी घर जाओ और घर जाके थोड़ी पढ़ाई करो, वरना मैं सक्सेना साहब को बता दूंगी कि आजकल तुम फिल्में बहुत देख रहे हो। रवि तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे स्कूल में वो नई टीचर आई है ना पुष्पा, वो मेरी बर्थ फ्रेंड है, बचपन की सहेली, सब बता दिया उसने मुझे तेरी स्टडीज के बारे में। आज से तू मुझे सिर्फ पढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए। मुरली वॉशरूम तो अकेले जाने दे। नहीं, साथ में ही किताब लेकर जाइए चारों तरफ देख के। हाँ। अजीब तमाशा चल रहा है घर में। रवि रवि रवि, गुड मॉर्निंग, उठो रवि। हो गया साधना, क्यों चला रही हो? मुझे सब पता है, ये रवि ना पढ़ाई के डर से कहीं छुप गया है, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगी नहीं। आप दोनों चलिए मेरे साथ, अब भी जाके इसको ढूंढना है, फाइंडिंग मी। चलिए 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 अब। खुली हुई खिड़की, रवि पढ़ाई के डर से घर से भाग गया। देखा साधना, कितना समझाया था मैंने तुम्हें, ये सब तुम्हारी सख्ती का नतीजा। ये मेरी सख्ती का नतीजा नहीं है, ये उस मुकेश की लगाई बुझाई का नतीजा है। इस मुकेश के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे बच्चे को भला फुसला के भगा के ले गया। आप चलिए मेरे साथ चलिए, अब भी उसको पकड़ती हूँ और अब भी उसको बताती हूँ। चलो चलिए आप मेरे साथ, आइए आइए आप। ये लोग एक दूसरे की बात में नाराज है, इससे पहले मुझे ही लपेटे मैं ही निकल लेता हूँ। मुरली वाले पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में जाके पता करता हूँ कि पुलिस वाले वो गिरोह को पकड़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं मुझे भी मंदिर तक छोड़ दीजिए। साधना बेटा तू भजन सुन, मन को शांति मिलेगी। हाँ चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। चल मॉम, मॉम भूख लगी है, खाना दो मॉम। खाना तो लगा। सुनो सुनो शाहरुख के गाने। अरे शर्मा जी, अरे घर पर कोई है? ऐसे दरवाजा खुला रखते हैं और फिर कहते हैं बच्चा गायब हो गया, होगा ही ना? रवि रवि, अरे बेटा तुम कल से गायब थे, ये घर कब आए? अंकल मैं तो किधर गया ही नहीं था, मैं तो कल से घर में पड़ रहा हूँ। देखो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हें उठाकर ले गया था ना, बस मुझे उसका एक बार नाम बता दो, सीधे उसको जेल में पहुंचा दूंगा। रवि, रवि, रवि,
क्यों? अरे आप लोगों ने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? अरे जब रवि घर पर था तो मुझे बताया क्यों नहीं? बहुत मजाक हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। जय हिंद। मुझे सब पता है, ये कहाँ चले गए? लेकिन रवि तू कहाँ चला गया था? मॉम मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं घर पर ही था। ना आप मान रहे ना वो इंस्पेक्टर अंकल, जब आप गाना सुनती मैंने आपके बाजू में बैठ के खाया, पर आपने देखा ही नहीं। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। अरे चलो भाई, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात। तुम सही सलामत हो, हमारे सामने खड़े हो, और क्या चाहिए? मुझे सब पता है शर्मा जी, सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे ना रवि के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। रवि मैं ना तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ना अब तुझ पे जोर जबरदस्ती कभी नहीं करूंगी, भले तू फेल हो जाए, मैं तुझे पढ़ने के लिए कभी नहीं कहूंगी। मॉम अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा और आपको जोर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब तुम्हारा किया धरा था। अब ऐसा करो, इससे पहले कि तुम्हारे चमत्कार की पोल खुल जाए, जल्दी से ये सारी की सारी घटना सबको भुलवा दो। गोपाल मैं ये घटना तो सबको भुलवा ही दूंगा, लेकिन मेरी ये सीख कोई साधना भी नहीं भूल पाएगी। हाँ तुम तो सबसे बड़े शिक्षक हो ना।